क्या एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है और क्या एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही तमाम मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल में बीजेपी को बंपर जीत दिला दी है और मोदी के 400 पार के नारे को सच साबित कर दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को 350 से 400 तक सीटें आने का अनुमान जताया गया है, लेकिन क्या वाकई में जो नतीजे एग्जिट पोल में आए हैं वही सच साबित होंगे? एग्जिट पोल के अनुमान चुनाव नतीजों की झलक माने जाते हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अतीत में एग्जिट पोल के अनुमान कई बार गलत साबित हो चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे एग्जिट पोल के अनुमान की बात करेंगे जो चुनाव नतीजों से बिल्कुल उलट थे। 2004 में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर भाजपा उत्साहित थी। उस समय के माहौल के मुताबिक एग्जिट पोल में भी भाजपा की अगुवाई में एनडीए को 240 से 275 सीटें यानी बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि चुनाव नतीजे इसके उलट आए। लोकसभा चुनाव 2014 में भी एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बहुमत के आसपास ही दिखाया गया था। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 261 से 289 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद से भी ज्यादा आए थे। एनडीए को 336 सीटें मिली थी, अकेले भाजपा ने 280 से ज्यादा सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई थी, जो इतिहास में उसका सबसे खराब प्रदर्शन था। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भी एग्जिट पोल के नतीजे खराब साबित हुए थे। नोटबंदी के बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे और एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने अनुमान जताया था कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत भाजपा ने 325 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि एग्जिट पोल में काफी कम सीटों का अनुमान लगाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 भी आपको याद होगा। इसी तरह 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए थे। एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर दिखाई गई थी। हालांकि चुनाव परिणाम में राजद और जदयू कांग्रेस के महागठबंधन ने जीत हासिल की थी और राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो दावे थे वो रिजल्ट वाले दिन झूठे साबित हुए। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 भी याद होगा। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। आपको अधिकतम 50 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन चुनाव नतीजों में आपने दिल्ली की कुल 70 में से 67 सीटें जीती थी। तब ये जो अनुमान लगाया गया था वो गलत साबित हुआ था। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भी जो एग्जिट पोल ने दावा किया था वो सही साबित नहीं हुआ। साल 2021 में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख एग्जिट पोल में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया था। हालांकि चुनाव नतीजों में भाजपा को 77 सीटें मिली थी, जबकि सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को कुल 294 सीटों में से 213 सीटें जीतकर वो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुकी थी। तब ये दावे फिर से गलत साबित हो गए थे। आपको विधानसभा चुनाव 2023 की जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी भी याद कर लेना चाहिए। आपको छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 का भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि 2023 में यानी पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान के विपरीत भाजपा ने जीत दर्ज की थी। एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए आसान जीत की भविष्यवाणी की गई थी। भाजपा ने 50 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। 2023 में हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई गई थी, लेकिन भाजपा ने दोनों राज्य में आसानी से जीत दर्ज की। उससे बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा सीटें मिली थी। इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े या अनुमानों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए चुनाव नतीजों को लेकर अभी से कोई राय बनाने से बेहतर है कि अंतिम चुनाव परिणाम का इंतजार किया जाए। एग्जिट पोल से जुड़ा एक व्यक्तिगत अनुभव भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इंडियन न्यूज में जॉब के दौरान की बात है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जब असेंबली चुनाव हुए थे राजस्थान में, उस समय एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास आए थे। मेरी उस समय वहां पर ड्यूटी थी कि जो आंकड़े आए हैं उसके ग्राफिक्स को मैं बनवाऊं, लेकिन राजस्थान की कुल सीटों से भी ज्यादा सीट एग्जिट पोल में दी गई थी और करीब 20 एक्स्ट्रा सीट थी। मैंने सीनियर को ये बात बताई कि पोल के जो आंकड़े हैं उसमें गड़बड़ी है, ये डेटा ज्यादा इसमें दिखाया गया है, 20 सीटें एक्स्ट्रा हैं, जबकि वो तो है नहीं वहां पर। तो उन्होंने अपने मन से एक पार्टी की सीट घटा दी और दूसरी पार्टी की बढ़ा दी और कहा कि लो अब हो गया आंकड़ा सही। तो न्यूज चैनलों में ऐसे होते हैं एग्जिट पोल। सैंपल साइज बहुत छोटा होता है और कुछ हजार लोगों से बात करके ये आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं, जबकि कई बार ये आंकड़े गलत साबित हो चुके हैं।
ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक सभी फ्रॉड हो सकते हैं और इन्हें मन मुताबिक तैयार किया जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ऐसे पोल के जरिए माहौल बनाया जाता है ताकि सत्ताधारी पार्टी जब चुनाव में गड़बड़ी करके जीते तो कोई उस पर सवाल न उठाए और सब लोग ये यकीन कर लें कि यही पार्टी जीत रही है। विपक्षी पार्टियों ने इन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं, वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। एग्जिट पोल पर जनता भरोसा नहीं कर रही, इसलिए एग्जिट पोल को छोड़िए और एग्जिट पोल को देखिए। कल सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव रिजल्ट पर हमारी खास चुनावी पेशकश देखिए दिन भर सिर्फ द न्यूज़ वीक पर। आपको हर सीट का हाल बताएंगे और साथ ही करेंगे चुनावी विश्लेषण भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, आपको इन एग्जिट पोल पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।